नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न नंबर 17 कर रहे हैं। यह प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, एसी बराबर है 12 सेंटीमीटर और बीसी बराबर है 6 सेंटीमीटर। कोण बी है, हमें इसमें से कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें कोण तो कोई भी नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, हमें कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ तीन भुजाएं दी हैं। इससे हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम तीनों भुजाओं का वर्ग करके देखते हैं। देखिए, ए बी है 6√3 सेंटीमीटर, तो ए बी का वर्ग होगा 6√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए इसे हल करें। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 × 3 हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से हम एसी का भी वर्ग देखेंगे। एसी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से देखेंगे हम बीसी का स्क्वायर। बीसी का वर्ग यानी बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका वर्ग, 6 का वर्ग होता है 36, सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बच्चों इसमें देखना है कि क्या कहीं पर भी, यदि इस त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय सीखी है, तो क्या इसमें कहीं पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है? क्या किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो सकता है? तो देखिए बच्चों, ये 144 सबसे बड़ा है, 36 और 108 इससे छोटे हैं। इसका मतलब इन दोनों का योग ये बने तब ये पाइथागोरस प्रमेय होगी। ये है 144, 108 और 36, इनको प्लस करके देखिए, 8 × 6 = 14 हासिल आया 1, 10 × 1 = 11 और 3 = 14 आ गया 144, जो कि है तीसरी भुजा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यह बराबर है ए सी स्क्वायर के। तो मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाकर देखते हैं, इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह है ए सी, तो यह हो गया बी। ठीक है बच्चों, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर के, तो समकोण कितना, बी पर समकोण बनेगा ना, क्योंकि ए सी सबसे बड़ी भुजा है, उसके सामने समकोण होता है, तो बी पर समकोण बना। हमसे पूछा गया था कोण बी है, तो समकोण है, यानी कोण की बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय थी कि 90 डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका विलोम है कि यदि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर हो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के अनुसार जो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें कोण भी किसके बराबर है, कोण भी 90 डिग्री के बराबर है, और हमें कोण बी ही निकालना था, तो इसका ऑप्शन सी। तो हम लिख देंगे यहां पर सी भाग 90 डिग्री उत्तर है। तो यही हमें इसमें करना था, हमें इसमें सही उत्तर निकालना था। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।